अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। मैं हूँ अमारुल हसन, आप देख रहे हैं अमाद इलेक्ट्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि चार तारों के साथ सीलिंग फ़ैन की, ये चार तारे हैं, इनके साथ कैपेसिटर किस तरीके से लगाया जाता है और क्या क्या तरीकाकार है। तो ये पंखा वेल्डिंग होकर आया हुआ है, तो इसमें चार तारे निकल रही हैं। तो जो ओरिजिनल पंखा होता है उसमें तीन तारे होती हैं। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि चार तारों को में साथ तो कैपेसिटर किस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको बताते हैं कि इसका किस तरीके से आप इसको लगा, कैपेसिटर आप किस तरीके से इसके साथ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कर लेना है कि आप में सीरियस बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीरियस बोर्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं वीडियो के दृश्य में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप सीरियस बोर्ड भी बना सकते हैं। तो हम पहले इनको चेक कर लेते हैं। तो हम जैसे ही आपस में वायर को सीरियस लीड के आपस में टच किया है तो बल्ब हमारा ग्लो करने लग गया। तो हम अब एक एक तार को हम इसके साथ अब चेक कर लेते हैं। तो ऐसे हमें हमने इनको चेक कर लिया, इनको एक को आपने कॉमन बना लेना है। तो ये दो जो तारे हैं इनको रेड और ये जो ब्लू है इसको आपने एक को कॉमन बना लेना है। और पीछे हमारे पास बच गए हैं दो, तो एक हमारी ये कैपेसिटर की तार इसके साथ टच कर देंगे तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा। जब हम ऊपर से तार को लेकर आएंगे तो इसके साथ हमने एक न्यूट्रल कॉमन लगा देना है और इसको ये इन कैपेसिटर को साथ हम एक एक सिरे पर लगा देनी है और एक दूसरे सिरे पर। अगर ये तो तारों का कलर पता चल रहा है कि दो रेड है और दो दो कलर सबस है, तो ये तो हमें आराम से पता चल गया कि ये तारे दो आपस में कॉमन कर लेनी है और एक को कैपेसिटर के दोनों सिरों पर लगा देना है एक एक तार को। अगर आपके पास एक ही भी कलर की तार हो तो आप इस तरह के सीरियस के ज़रिए आप इसको चेक कर सकते हैं, आपस में बुला लेना है कौन सी तारें आपस में बोल रही हैं और फिर उनको एक एक को आपने, यानी ये सभी दोनों आपस में बोल रही थी और रेड के दोनों आपस में बोल रही थी, तो हमने क्या किया सावी और रेड को हमने कॉमन बना लिया और एक 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 तार हमने कैपेसिटर के ऊपर लगा दिए। तो अब हम इसके चक्कर देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके चक्कर चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप कैपेसिटर के साथ तारों को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर चार तारे निकली हों आपने चेक कर लेना है, अगर पंखा उल्टा चल रहा हो तो आपने इस तरह करना है, एक यहाँ से ये सबस तार उतार कर आपने इस जगह पर टच कर देनी है और यहाँ से आप निकाल कर इस कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर देनी है। तो इस तरीके से अनाड़ी बंदा भी आप घर पर खुद कनेक्शन कर सकता है। कैपेसिटर लगाने का तरीका मैंने आपको बताया है कि इसको अगर चक्कर आपके पुट्ठे ही हो जाए तो आप इस तरीके से आप सीधे कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौजूद होती रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।